आजकल गाड़ियों में इतनी मॉडिफिकेशन कराई जाती है यार, तो मतलब समझ नहीं सकते जल्दी से कि कौन सा वेरिएंट रहता है, बेस मॉडल रहता है या बीच का वेरिएंट रहता है। वैसे तो टॉप वेरिएंट का तो पता चल जाता है ज्यादातर, लेकिन आजकल ना बेस वेरिएंट को भी ना टॉप वेरिएंट बना के रख देते हैं बाहर से भी और अंदर से भी। आजकल ऐसा सा काम मार्केट के अंदर मौजूद है फ्रेंड्स। तो हम आए हुए यहाँ पे आर्य समाज रोड पे, टायर जोन इंडिया पे। तो आपके सामने आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है। देखो सब जो भी बैजिंग है ना वो सब हटाई हुई है, जैसे स्विफ्ट की बैजिंग रहती है, वेरिएंट की तो आजकल बैजिंग देते ही नहीं है। और देखो वैसे VXI नहीं है, ये वही वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है। मैंने इसका ना ये वाइपर नहीं देखा था, तो वाइपर नहीं आता है बेस मॉडल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की गाड़ी है और बेस मॉडल है ये। और ये देखिए यहाँ पे इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी मिलेगा और ये कुछ इसकी रियर की टेल लाइट है बेस मॉडल की। ज़्यादातर ऊपर के मॉडल पे भी जाओगे तो ऐसी मिलती है। और ये इसमें ना काफ़ी मतलब काम कराया हुआ है पीछे की तरफ भी, ये इसकी पिलर लाइट्स बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको पिलर लाइट लगवाई गई हैं। और जब ये ना गाड़ी जब रात को जब ये पिलर लाइट जलती ना तो बहुत अच्छी लगती है। और ये इंडिकेटर से कनेक्ट रहती है, जब इंडिकेटर जैसी ऑन होगा ना इधर साइड गई तो वो वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसका ये भी एक बढ़िया बेनिफिट है रात के टाइम में, कोहरे के टाइम में तो बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। और वैसे ना इसके अंदर एलॉय व्हील्स का ही काम होने जा रहा है फ्रेंड्स, एलॉय व्हील्स का। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा साइड लुक दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कुछ इस ये इस गाड़ी की। ये इसमें यहाँ पे क्रोम की गार्निश फिट कराई गई है और ये इसका डोर हैंडल क्रोम में। और ये देखिए ये भी इसमें काम करा हुआ है और ORVM में ये इंडिकेटर भी है। वैसे ना जब ये बेस मॉडल लेते हैं ना तो बेस मॉडल के अंदर ORVM में कोई इंडिकेटर नहीं आता है, इसमें भैया ने काम करा हुआ है। और ये देखो सबसे बढ़िया एक पहचान बताता हूँ मैं आपको, ये है काम की चीज़ जो अब आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। ये जो है ना यहाँ पे फेंडर में जो इंडिकेटर आता है ना, ये बेस मॉडल में ही आता है यहाँ पे। जब आप ऊपर के मॉडल पे जाते हैं तो यहाँ पे ORVM में इंडिकेटर मिलता है। ये देखिए यही पहचान होती है, जब फेंडर में इंडिकेटर होता है ना तो ज़्यादातर बेस मॉडल ही होता है वो। तो ये इसका स्विफ्ट का ना, स्विफ्ट को बलेनो को आजकल ऐसे ही बना देते हैं बेस मॉडल से ऊपर के मॉडल बना देते हैं मॉडिफिकेशन करके। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि यार इसको भी ना इसको भी मतलब बंद करवा देते हैं, यहाँ से दिखता ही नहीं है और तो उससे लगता ही नहीं है कि ये बेस मॉडल है। तो चलो मैं आपको ना अब ये थोड़ा फ्रंट लुक से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके की गाड़ी घिसी हुई है, थोड़ी सी स्क्रैच वगैरह डेंट वगैरह काफ़ी सारे आए हुए हैं यहाँ पे देखिए। और ये कुछ इसकी फ्रंट की प्रोफाइल है गाड़ी की। और ये देखिए यहाँ पे ना इसके जो ये हेडलाइट है हेलोजन में हेडलाइट है और नीचे फोक लाइट भी इसके अंदर लगी हुई है। और ये कुछ इस डिज़ाइन की फ्रंट की ग्रिल रहेगी क्रोम गार्निश के अंदर। और मैं आपको ना इसका जो इसका बेस ये जो इसका टायर है ना टायर भी दिखा देता हूँ कौन सा साइज़ के अंदर ये इसका टायर है। दिख नहीं रही है, कहाँ गई। तो फ्रेंड्स ये इसका टायर साइज जो रहेगा 165/80R14 14 इंच के अंदर ये इसका टायर है ब्रिस्टोन ब्रांड के अंदर। और एलोय का ही काम होने जा रहा है, जो भी अगर इसका एलोय आता है वो अब मैं आपको लोग इसकी चेकआउट कराऊंगा। टायर खुल चुका है इसका, टायर जा रहा है अभी ये। तो देखिए फ्रेंड्स स्विफ्ट के अंदर एलोय आ चुका है, अभी फ्रंट वाले टायर में लगा है लेकिन रियर की साइड पर आ चुका है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके का लुक है इसका, ये डिज़ाइन है एलोय का, सिल्वर फिनिशिंग के अंदर एलोय है, स्टैलियन ब्रांड जो कि इंडोनेशियन है, मेड इन इंडोनेशियन। और रेड कलर का इसमें ड्रम का पेंट हो चुका है। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, टायर प्रोफाइल रहेगा फ्रेंड 205/45R17 लो प्रोफाइल टायर है 17 इंच के अंदर। लुक काफ़ी इनहेंस हो चुकी है गाड़ी की इस एलोए के साथ और बहुत बढ़िया लग रहा है गाड़ी में, मज़ा आ गया देख के। तो आप देखिए आप प्रॉपर लुक चेकआउट कर सकते हैं इस गाड़ी की एलोए के साथ। ये देखिए अब थोड़ा साइड से मैं पीछे से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी शाइनिंग कर रहा है एलोय। आप देखिए सिल्वर फिनिशिंग के अंदर ये एलोय है। इतने दिन बाद महीने बाद she 100 gets everything that she wants in abundance, knows how to be a lady in public but she can get crazy, ooh I love it, she got a lot of weight in her luggage and shorty ain't bluffing, she might snap on you like it's nothing, everything I thought I knew is redundant। तो गाइज मैं आपको ना इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, आपसे प्राइस शेयर कर देता हूँ क्योंकि यार रात का टाइम हो चुका है, मुझे भी लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा पूरी कंप्लीट तो नहीं दिखा पाऊंगा ये वीडियो, लेकिन आप थोड़ा देख सकते हैं 17 इंच के अंदर ये अलॉय लगे हैं और 17 इंच का ये इसके अंदर टायर लगा है लो प्रोफाइल के अंदर। और इसकी जो एलोए की कॉस्टिंग है ना फ्रेंड्स वो 32,000 है, 32,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग है इस वाले एलोए की, क्योंकि डिज़ाइन से कलर से रेट ऊपर नीचे होता है फ्रेंड्स। जैसे मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको 17 इंच का कोई 32 का या कोई 33 का या कोई 31 का, तो डिज़ाइन कलर
मतलब चेंज हो सकता है, रेट भी उसके चेंज हो सकता है। और जो ये इसके टायर है 17 इंच का जो लो प्रोफाइल टायर है, 6800 रुपए का ये एक टायर है फ्रेंड्स। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं चारों की, 6800 रुपए का पर टायर, और ये एलॉय 32000 रुपए के सिल्वर फिनिशिंग के अंदर। और अगर आपको प्राइस से रिलेटेड या कोई भी और भी इंक्वायरी या उसको डिटेल लेनी है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चैनल पे अगर आप नए हैं ना फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत। On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. सामने है ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट, आप देख सकते हैं इसमें काम हो चुका है एलॉय का, तो आप मैंने सोचा आपको दिखा दूँ इसके भी एलॉय किस डिज़ाइन के। और जो इसकी जो ये देखिए, अब थोड़ा पीछे वैसे गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेगी नहीं है, छोटी वीडियो रहेगी। और इसकी यार पॉलिश भी लग चुका है, टायर प्रोफाइल सही से नीचे मग रहा है, रेड कलर के इसमें डिस्क में पेंट हुआ है, और अपोलो ब्रांड का ये टायर है। और मशीन कट में ये इसके एलॉयज है, ये देखिए कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के एलॉय है। और जैसे अभी ये गाड़ी निकलेगी ना, तो आपको प्रॉपर स्टेबल इसकी गाड़ी की वीडियो दिखाऊंगा, और आप लुक जज करना कि कैसी आपको गाड़ी लगी, कमेंट में मैं ज़रूर बताना। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके यहाँ पे DRL भी ऑन हो चुके हैं, और ये यहाँ पे इसकी ये लाइट्स है, हेडलाइट्स हेलोजन में, कुछ भी इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन नीचे ये LED लगी हुई है, DRL, और नीचे ये इसकी फोक लाइट हेलोजन में। अब जैसे ही गाड़ी निकलेगी तो आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। कमेंट में सर, सर इसकी प्राइस कितने रहे हैं इसके एलॉय के? एलॉय पड़े हैं अपन को 22000 के। ये कितने इंच में लगवाए हैं आपने सर? ये अपना 15 इंच में। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा 15 इंच के एलॉय हैं ये, 15 इंच के। और सर ने बताया कितनी बताई थी, 22000 ना, 22000 की इसकी कॉस्टिंग आई है एलॉय इसकी फ्रेंड्स। अगर आपको लगवाना है ये वाले डिज़ाइन के, तो यहाँ पे आप टायर जोन इंडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आर्य समाज रोड पे। तो अभी ये गाड़ी निकलने वाली है, आप देखिए यार, गाड़ी बहुत सारी खड़ी होती है ना, तो सही से प्रॉपर नहीं दिखा पाता, मतलब जब गाड़ी निकल जाती है ना तब दिखाई जाती है, मतलब वेट करना पड़ता है। तो आप ये देखिए पीछे से गाड़ी की लुक चेकआउट कर सकते हैं, MP की गाड़ी है, मध्य प्रदेश की। ये देखिए बस गाड़ी अब निकल रही है। Tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho.